एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और एज यू नो मैं हूँ मधुस्मिता। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक फेशियल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये जो फेशियल वीडियो है ये पतंजलि होम फेशियल वीडियो है, यानी मैंने जो ये वीडियो में सारे प्रोडक्ट यूज किया है ये सारे के सारे पतंजलि का है। और पतंजलि का जो प्रोडक्ट है बहुत ही नेचुरल रहता है और बहुत ही ज्यादा सेफ भी रहता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्ट भी रहता है। और ये जो सारे प्रोडक्ट है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये बजट फ्रेंडली भी है। सो चलिए जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं। सो फेशियल करने से पहले मैं एक हेयर बैंड लूंगी और अपने बालों को अच्छी तरह से सिक्योर कर लूंगी ताकि कोई भी बाल मेरे फेस पे ना आए। सो फेशियल का पहला स्टेप है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए मेरे पास ये दो फेशियल फोम है ऑलरेडी पतंजलि का। ये जो ब्लैक वाला है ये कार्बन फेशियल फोम है और ये सेकेंड वाला व्हाइट वाला जो है ये पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश है। तो क्लींजिंग के लिए मैं ये पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश यूज करूंगी क्योंकि ये जो फेस वॉश है मेरे स्किन पे अच्छे से काम करता है। तो इसको थोड़ा सा मैं अपने हाथों में लूंगी और थोड़ी सी पानी के साथ मिक्स करके आपके फेस और नेक पे अच्छी तरह से मसाज कर लूंगी। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद अच्छी तरह से प्लेन वाटर से धो लूंगी। तो इस फेशियल का सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए मेरे पास ये पतंजलि एप्लीकेटर स्क्रब और ये जो स्क्रब है ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। तो कुछ स्क्रब को आप मैं अपनी फिंगर टिप्स पे लूँगी और अपनी फेस और नेक को अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करूँगी। ध्यान रखिए, इस स्क्रब को लगाने के बाद आप थोड़ी सी हल्की हाथों में अपनी फेस और नेक को अच्छी तरह से मसाज कीजिए क्योंकि इसका जो पार्टिकल और दाने हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद मैं एक कॉटन की वेट कपड़ा से अपने फेस को अच्छी तरह से वाइप कट कर लूँगी। आप चाहे तो कोई भी वेट वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेन वाटर से अपने फेस को भी धो सकते हैं। तो स्क्रबिंग के बाद आता है मसाजिंग की बारी। मसाजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल और यहाँ पर मेरे पास ये पतंजलि आलमंड ऑयल। तो इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी और अपने फेस को अच्छी तरह से जेंटली मसाज करूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल से मैं एक क्रीम बनाऊंगी। तो मैं 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल लूंगी और 2 से 3 ड्रॉप आलमंड ऑयल इसमें डाल दूंगी और फिंगर टिप्स में अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। ये जो आलमंड ऑयल है इसमें विटामिन ई का भरपूर मात्रा से विटामिन ई होता है तो इसलिए मैं आलमंड ऑयल यूज़ किया है। आपके पास अगर आलमंड ऑयल ना हो तो आप बाज़ार में जो विटामिन ई कैप्सूल मिलता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेन मिनट्स मसाज करने के बाद एक वेट टॉवल से मैं अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। मसाज करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी फेस पैक। तो फेस पैक के लिए मेरे पास ये पतंजलि मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है। मेरी स्किन ड्राई स्किन है बट ये ऑयली स्किन के लिए ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है। तो मैं अपने हाथों में कुछ इस तरह से इसी फेस पैक को लूँगी और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है तो इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी थोड़ा सा गुलाब जल। आप चाहे तो प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और एक फेस पैक की ब्रश की सहायता से अपने फेस और नेक को अच्छी तरह से लगा लूँगी। फेस और नेक में अच्छी तरह से मैं फेस पैक को लगा लूँगी और 10 मिनट्स के लिए उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और 10 मिनट्स के बाद प्लेन वाटर से अपने फेस को अच्छी तरह से धो लूँगी। फेस पैक लगाने के बाद मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे रोज वाटर। ये पतंजलि का रोज वाटर है। इस तरह से मैं कुछ बूंदे अपने हाथों में लूंगी और अपनी फेस और नेक को अच्छी तरह से इस तरह से डैप कर लूंगी क्योंकि मुझे ये रोज वाटर बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। फेशियल का लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए मेरे पास ये पतंजलि मॉइस्चराइजर और ये जो मॉइस्चराइजर है ये बहुत ही अच्छा है। ड्राई स्किन के लिए ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व भी हो जाता है। तो मैं इस तरह से अच्छे से अपनी फेस और नेक को अच्छी तरह से लगा लूँगी।
मॉइस्चराइजिंग के साथ ख़त्म होता है ये मेरा पतंजलि होम फेशियल। और ये जो फेशियल है ये बजट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें जो सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है ये सारे के सारे प्रोडक्ट 70 रुपीज़ से बिलो है। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो ये था मेरा पतंजलि होम फेशियल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे मेरे सोशल साइट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय, स्टे हैप्पी।